अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनजे टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ स्टिकर देखे होंगे या आपको किसी ने भेजे होंगे। दोस्तों, हम अपने स्टिकर अपने पिक्चर को भी स्टिकर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मालूम नहीं होगा कि हम अपने पिक्चर को कैसे स्टिकर में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपने पिक्चर को स्टिकर में ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ स्टिकर भेजे हैं या ऐड किए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने पिक्चर को स्टिकर में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप पीएनजी पिक्चर को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को सिंपल अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। तो दोस्तों, ये मैंने पहले से डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको शो होंगे वो पिक्चर जो आपकी गैलरी में होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सिंपल इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और इसके बाद इधर अपना नाम देना है जो स्टिकर्स पर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल में नाम देता हूँ एम जे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपने पिक्चर्स भी सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को और पिक्चर भी चाहिए और यहाँ पर शो नहीं होते, तो आप लोगों ने इधर क्लिक करना है ब्राउज पर, और यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोल्डर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पिक्सआर्ट करता हूँ, और ये वाला पिक्चर भी सेलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बैक जाना है अब, और इस टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा सेंडिंग फॉर व्हाट्सएप, और अब आपसे परमिशन मांगता है कि ये सच में ऐड किया जाए या नहीं। तो ऐड करना है, ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम अपने व्हाट्सएप में जाएंगे कि यहाँ पर सच में सेव हुए हैं या नहीं, या ऐड हुए हैं या नहीं। व्हाट्सएप में दोबारा आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इस इमोजी आइकन पर क्लिक करना है। इमोजी आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इधर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जो पिक्चर हमने वहाँ पर ऐड किए थे प्लस के निशान प्लस के आइकन से के जरिए, तो दोस्तों वो यहाँ पर अब सेव हो चुके हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस पर क्लिक करने से आपको वो नेम शो होगा जो हमने यहाँ पर वहाँ पर नेम दिया था MJ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।